ओके, तो फाइनली जो हमने टेक्नो गेमर का स्टैचू मंगाया था वो आ चुका है, तो जल्दी से उसे लेने चलते हैं। वैसे गाइस हमारे पास कितनी सारी बाइक्स हैं और कितनी सारी गाड़ियां, हम अपनी ये फेवरेट वाली जो आजकल मुझे यही पसंद आ रही है इस गाड़ी को ले चलते हैं। वैसे गाइस अब चलते चलते अपना इंट्रो भी बोल देते, तो स्वागत है भतीजो आपका एक और नई वीडियो में। तो बात यह है कि मैंने एक टेक्नो गेमर का बढ़िया सा बड़ा सा स्टैचू मंगाया था जो कि धोखे से मेरे ओल्ड वाले घर पर पहुंच गया क्योंकि उसका एड्रेस पड़ा था। नाउ अभी हम सबसे पहले चल के उस स्टैचू को लेके आते हैं एंड फिर आपको दिखाते हैं। भाई बड़ा ही गजब स्टैचू है, डिट्टो एकदम टेक्नो गेमर्स जैसा। नाउ फाइनली हम अपने ओल्ड वाले घर पर पहुंच चुके हैं एंड ये यार यहां से तो कई सारी यादें जुड़ी हैं एंड हमने इसको मॉडिफाइड भी किया था, लेकिन यार जैसे ही इस गेम का अपडेट आया वो सब कुछ रीसेट हो गया। लेकिन अगर आपको वो मॉडिफिकेशन देखनी है इसमें, जिसमें मैंने इस स्विमिंग पूल को भी एकदम से ग्रास व्रास लगा दिया था, तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। वैसे गाइस वो छत पर ही रख के गया था शायद, उसने ये बताया फोन पे, एंड हम देखते हैं कि वो कहां पर है। एंड ओके, तो ये वो स्टैचू है, वाओ यार सुपर फैंटास्टिक। लेकिन यार एक बात बताओ, ये तो सिर्फ हेड है स्टैचू का, पूरी बॉडी किधर है? अबे यार डिलीवरी वाले, तू आधा काम करता है आधा नहीं। कोई ना, जो हमें मिल चुका है सबसे पहले हम इसी को ले चलते हैं, उसके बाद उससे बात करते हैं कि भाई आधा स्टैचू कहां गया, भाई स्कैम तो नहीं कर दिया उसने हमारे साथ। अभी हमने उस वैक्यूम चैम्बर से निकाल कर उस हेड को अपने बैग में रख लिया, जल्दी से गाड़ी में चलते हैं एंड उससे बात करते हैं। यार उसने क्या किया है मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये मैंने मंगाया तो अमेजोन से था लेकिन ये स्कैम फ्लिपकार्ट वाला क्यों हो रहा है भाई। तो अभी मैंने उस डिलीवरी वाले से बात करी, उसने बताया है कि उसने एक दूसरे एड्रेस पर हमारा आधा पार्सल डिलीवर किया है जो कि है रेलवे स्टेशन। अभी रेलवे स्टेशन का एड्रेस उसे किसने दिया पता नहीं, पर यार मुझे रहा नहीं जा रहा। उसने खुद बोला था कि मैं घर पर पहुंचा दूंगा, पर मैंने कहा तू रहने दे, हम लोग खुद ही वहां से उठा लेते हैं एंड अब जल्दी से रेलवे स्टेशन चल के अपने पार्सल को ले लेते हैं, जिसमें इसमें हेड है और उसमें होगी बॉडी एंड इन दोनों को हम लोग जोड़ के टेक्नो गेमर का स्टैचू बनाने वाले हैं। हाँ उसने यही कहीं बताया था यार, शायद इन सीढ़ियों के नीचे या इधर उधर। अबे हाँ ये रहा, अबे यार सुपर यार एकदम से फिट बॉडी है, लेकिन एक मिनट अबे इसके पैर किधर है? ओ शिट यार, मुझे लगता है ये डिलीवरी वाला सच में पागल हो चुका है। कहीं इसका हेड एक जगह रख देता है, कहीं इसका अपर पार्ट रख देता है, अभी लोअर पार्ट में कहां से लाऊं, क्या अपना पार्ट लगा दूं क्या? एक तो इतने दिनों बाद डिलीवरी थी, उसके बाद इन सारे पार्ट्स को अलग अलग रख दिया। नाउ हमने उस पार्ट्स को भी अपने बैग में रख लिया। यार गुस्सा तो बहुत आ रही है उस डिलीवरी वाले पर क्या कर सकते हैं यार, अपने फेवरेट यूट्यूबर का यार स्टैचू है ना, तो इतना तो झेलना पड़ेगा। अब जल्दी से गाड़ी में चलते हैं एंड चलते चलते उससे बात करते हैं कि उसने जो आखिरी वाला पार्ट है पैर, वो कहां रख दिए यार। हेलो, अच्छा अच्छा, तो गाइस अभी मुझे पता चला है कि वो आखिरी वाला पार्ट एयरपोर्ट पे रखा गया है एंड एक बेकार की बात यह है कि यार वहां पर तो ज़ॉम्बीज रहते हैं ना। अबे यार इन ज़ॉम्बीज से पहले बचना होगा और मैं उस पार्ट्स के लिए इन ज़ॉम्बीज से भी लड़ जाऊंगा। अबे ज़ॉम्बीज सालो रुको, तो मैं अभी बता दूं, पहले इनसे ही निपट लूं उसके बाद उस पार्ट को हम कलेक्ट करते हैं। सालो तेरी तुम्हारी क्या कहूं, तुम्हें तो मैं जन्म लेने के लिए तरसा दूंगा। ये उलट डाला यार, ये साले ज़ॉम्बीज क्या खा के पैदा हुए यार, इन्हें दिख रहा है कि गाड़ी उनकी तरफ आ रही है फिर भी साले भागे चले आ रहे हैं, ये तो एकदम से ये क्या हुआ? अबे मैं गाड़ी से बाहर आ गया, ये ज़ॉम्बीज ज़ॉम्बीज रुक रुक तुझे तेरी मम्मी कसम खाना नहीं। अबे ज़ॉम्बीज तेरी साले, अबे यार मैं किसकी, मैं तो ज़ॉम्बीज के ऊपर ही कूद गया यार। अबे ज़ॉम्बीज, अबे यार मुझे लगता है स्टैचू के चक्कर में कहीं मेरा स्टैचू ना बन जाए। भाग लो यहां से चुपचाप से, चचा की तो आज हालत ही खराब हो गई थी, लेकिन मैं बिना स्टैचू लिए नहीं जाऊंगा, इनको मैं घुमा घुमा के मारूंगा। हां तो ये, अबे यार मारू कहां से, ये तो यार ऊपर ही चढ़े आते हैं, पास में मारूंगा मैं भी मर जाऊंगा यार इनके चक्कर में। चुपचाप से निकल के हम सबसे पहले अपना स्टैचू उठाते हैं, उसके बाद इनसे निपटते हैं यार। एक तो इस डिलीवरी वाले को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी यार, अलग अलग जगह कौन पार्सल डिलीवर करता है यार, मतलब एक ही जगह दे दो यार, इससे बढ़िया तुम एक दिन और लेट देते, मेरे घर पे पहुंचा देते। चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं समझ चुका हूँ, बहुत बड़ा पार्सल था तो सारा टुकड़ों में लाया होगा, उसको जहां अच्छा लगा वहां रख गया। वैसे ये ज़ॉम्बीज चले गए क्या? शायद चले गए, इन ज़ॉम्बीज को छोड़ के जल्दी से हम अपना पार्सल ले लेते हैं एंड उसके बाद घर पे चलकर इनको असेंबल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं एकदम गजब स्टैचू। ओह माय गॉड सुपर फैंटास्टिक यार, ओ भाई साहब पैर तो और ज्यादा गजब है यार, और इस स्टैचू में चलने वाला प्रोग्राम भी है, मतलब कि यार ऐसा सिस्टमैटिक स्टैचू है ये कि इसमें जब बटन दबाएंगे ना तो स्टैचू चलेगा भी, ऐसा भी मैंने देखा था। सबसे पहले इस स्टैचू के पैरों को कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ अब जल्दी से नीचे उतरते हैं, ज़ॉम्बीज चले गए या है, एक तो इस बात का डर और है, अगर ज़ॉम्बीज ने हमें काट लिया ना तो हम भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। मुझे लग रहा है ज़ॉम्बीज दूर जा चुके हैं, ज़ॉम्बीज मेरे पास आना नहीं, अगर नीचे हो तो मेरे पास स्टिकी बॉम्ब है, सालों सिर पे चिपका के मार दूंगा। अबे ज़ॉम्बीज, मैं तो ज़ॉम्बीज के सर पर पैर के भाग आया हूँ यार, एंड सामने भी ज़ॉम्बीज। अबे यार कैसे भी करकर हमें अपनी गाड़ी के पास पहुंचना होगा, जल्दी से जल्दी रुको, पहले सब सालों को उड़ा ही दूं मैं। अबे यार इनके चक्कर
सफर में हमारी हेल्थ कितनी रहेगी। अब मैं रिस्क नहीं लूंगा, जल्दी से जाके गाड़ी में बैठता हूँ। एंड मुझे डर इस बात का, अगर मैं गाड़ी में बैठा और इतनी देर में किसी ज़ॉम्बीज़ ने हमको काट लिया तो यार जितनी हेल्थ बची है वो भी खत्म हो गई। बचाना, राम 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 राम। अबे साल, एक बार अगर मैं बच गया अब मुझे कोई नहीं मार सकता यार। चुपचाप से निकल लेते हैं इनको, अगर मैंने लास्ट बार की तरीके से ठोका। अबे रुक जा, नहीं ठोकूंगा। पता चला हम निकल के बाहर गिर पड़े यार, और थोड़ी सी हमारी हेल्थ है, ये ज़ॉम्बीज़ हमको नहीं छोड़ने वाले। लेकिन हम भी चाचा यार बदला लेके जाएंगे, जिसने काटा था ना, एक एक को ठोक के जाएंगे। रुको जरा, इनके पिछवाड़ों पे अभी हम गोलियां मारते हैं। रुको जरा, ये वाला था ना, ये रुक रुक, इसकी खपड़ी उड़ाता हूँ। इसकी खोपड़ी में मारी गोली है, पटाका। गिर गया, ऐसे गिरा जैसे एकदम नशे कर लिए हो यार। एंड ये वाला भी था ना, एक तो साले एक जैसे सब दिखते हैं, पता नहीं कौन कौन सा था जिसने मेरी हेल्प को कम किया। लेकिन कोई बात नहीं, है तो साले सब एक ही, इन सबको उड़ा देते हैं ना। वो भी बदला बहुत हो गया, अब जल्दी से घर चलते हैं। एंड घर चल के स्टैचू को पूरा कंप्लीट करते हैं। एयरपोर्ट के पास में ही हमारा घर था, तो आराम से जल्दी आ भी गए। लेकिन एक मिनट यार, हमारी सारी गाड़ियां कहां गई यार? वो तेरी कोई गाड़ियां और बाइक सब चुरा ले गया। अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, उससे पहले इन स्टैचू को ऊपर रख देते हैं। एंड मुझे लगता है यार, जो डिलीवरी वाला हमें घुमाता रहा एंड मेरे घर में कोई चोरी करता रहा, इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा यार। हम ही लगाएंगे यार अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम सबसे पहले इस स्टैचू को असेंबल कर देते हैं, इस स्टैचू से हेल्प भी ले लेंगे, क्योंकि ये स्टैचू एक रोबोट जैसा है जो हमारे साथ हमारी हेल्प भी करेगा चोरों को पकड़ने में। तो सबसे पहले तो हम इस स्टैचू को बना देते हैं। एंड अभी हमने सारे पार्ट्स निकाल कर टेबल पर रख दिए हैं। नाउ अभी वक्त आ गया इनको असेंबल करने का। ये देखो, एक तरफ हेड रख दिया है, एंड ये मिडल पार्ट एंड ये लोअर पार्ट, ये हमने सारे पार्ट्स टेबल पे निकाल के रख दिए हैं। नाउ अभी वक्त आ चुका है इनको असेंबल करने का और देखने का अब स्टैचू कैसा लगता है। फाइनली गाइस, हमने चश्मा उस्मा लगा के एकदम टेक्नो गेमर्स का हूबहू स्टैचू बना दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो यार कमेंट करके बताया तो करो यार, कुछ तो लगा करे तुम्हें यार। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो वीडियो यहां तक देख रहे हैं वो 3 बार 777 कमेंट करें तो आप मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।